गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इडियम है राइज विद द लार्क। इसका सिंपली मतलब होता है सुबह सनराइज से पहले उठना, मतलब सुबह जल्दी उठना। जैसा अगर मैं बोलूँ, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल आई ऑलवेज यूज्ड टू सेट अलार्म फॉर राइजिंग विद द लार्क। मतलब जब मैं स्कूल जाया करता था तो सुबह सनराइज से पहले उठने के लिए हमेशा अलार्म लगाया करता था। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल आई ऑलवेज यूज्ड टू सेट अलार्म फॉर राइजिंग विद द लार्क। एक और एग्जांपल है, आई लव राइजिंग विद द लार्क एंड हैव अ कप ऑफ टी व्हाइल सीइंग सनराइज। मतलब मुझे सूर्य उदय से पहले उठना बहुत ज़्यादा पसंद है और सूर्य उदय को देखते हुए चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव राइजिंग विद द लार्क एंड हैव अ कप ऑफ टी व्हाइल सीइंग सनराइज। अगला एक वर्ड है हमारा डेराइसिव। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। व्हेन यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और समथिंग इज़ यूजलेस। मतलब जब आप सोचते हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसकी मजाक बनाते हो या फिर उससे मजे लेते हो, मतलब वो हास्यजनक है। जैसा अगर मैं बोलूँ, वाई डिड यू पास द डेराइसिव कॉमेंट। मतलब तुमने हास्यजनक कॉमेंट क्यों पास किया, वाई डिड यू पास द डेराइसिव कॉमेंट। एक और एग्जाम्पल है, डोंट से इट विद अ डेराइसिव लाफ। मतलब मजाक में हंसते हुए ऐसा मत कहो, डोंट से इट विद अ डेराइसिव लाफ। अगली एक इडियम हैव अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब होता है उदास हो जाना या फिर दुखी हो जाना, या फिर सिंपली बोल सकते हैं मुंह लटका लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ, डोंट हैव अ लॉन्ग फेस नाउ चीयर योरसेल्फ अप। मतलब अब मुंह मत लटकाओ या फिर अब दुखी मत हो, अपने मूड को ठीक करो। डोंट हैव अ लॉन्ग फेस नाउ चीयर योरसेल्फ अप। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, ही हैज़ अ लॉन्ग फेस टुडे बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड। मतलब आज उसका मुंह लटका हुआ है क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता टूटा है। He has a long face today because he has broken up with his girlfriend. अगली हमारी एक phrasal verb है desist from। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को करना बंद कर देना। मतलब past में या फिर present में आप किसी चीज़ को करते हुए आ रहे हो, लेकिन अब उसको करना बंद कर देना या फिर उसको करने से रोक देना। जैसा अगर मैं बोलूँ, You should desist from such foolish activities। मतलब मूर्ख हरकतें करने आपको बंद कर देनी चाहिए, या फिर मूर्ख हरकतें करने से अपने आपको रोक लेना चाहिए। You should desist from such foolish activities। एक और एग्जांपल है, I asked him to desist from abusing me। मतलब मुझे गाली देने से मैंने उसको रोकने के लिए कहा। I asked him to desist from abusing me। अगली हमारी एक फ्रेज है at once। इट मीन्स immediately, मतलब तुरंत या फिर झटपट। जैसा अगर मैं बोलूँ, when I saw her, I recognized at once। मतलब जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। when I saw her, I recognized at once। One more example, control your tongue at once। मतलब अपनी जुबान को तुरंत कंट्रोल करो या फिर काबू करो। control your tongue at once। अगला वर्ड है हमारा नोवेयर। इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कहीं भी नहीं। जैसा अगर मैं बोलूँ, देर वॉज नोवेयर एल्स फॉर मी टू स्लीप। मतलब और कहीं जगह नहीं थी मेरे सोने के लिए। देर वॉज नोवेयर एल्स फॉर मी टू स्लीप। एक और एग्जांपल है, इज़ देयर नोवेयर एल्स टू विजिट इन द सिटी। मतलब क्या इस शहर में और कोई जगह घूमने के लिए नहीं है। इज़ देयर नोवेयर एल्स टू विजिट इन द सिटी। अगली हमारी एक फ्रेज है एवरी सो ऑफन। इट मीन्स ओकेजनली, मतलब कुछ समय समय पर होता रहता है। मतलब रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। जैसा अगर मैं बोलूँ, शी स्टिल फोन्स मी एवरी सो ऑफन। मतलब वो कभी कभी अब भी मुझे फ़ोन करती है। मतलब रोज नहीं करती है, लेकिन कुछ समय पर मुझे फ़ोन करती है। शी स्टिल फोन्स मी एवरी सो ऑफन। एक और एग्जांपल है, ही ड्रिंक्स एवरी सो ऑफन। मतलब वो रोज नहीं पीता है, लेकिन कभी कभी पीता है। ही ड्रिंक्स एवरी सो ऑफन। अगला वर्ड है हमारा पर्पस। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है उद्देश्य या फिर इरादा। जैसा अगर मैं बोलूँ, द मेन पर्पस ऑफ टॉकिंग टू यू सीक्रेटली इज़ टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट। मतलब आपसे छिपकर बात करने का जो मुख्य इरादा है या फिर उद्देश्य है, वो आपको सीक्रेट बताना है या फिर वो आपको राज बताना है। द मेन पर्पस ऑफ टॉकिंग टू यू सीक्रेटली इज़ टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट। मतलब आपके घूमने का या फिर आपके मिलने का इरादा क्या है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट। अगला वर्ड है हमारा इंसलेंट।
इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है असभ्य या फिर अभद्र, मतलब कोई पर्सन है जो असभ्य है या फिर बिना रिस्पेक्ट के है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो इंसलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लीव द कंपनी ऑफ योर इंसलेंट फेलो, मतलब अपने ऐसे साथी का साथ छोड़ दो जो असभ्य है या फिर अभद्र है। लीव द कंपनी ऑफ योर इंसलेंट फेलो। एक और एग्जाम्पल है, डोंट बी इंसलेंट विद मी, मतलब आप किसी से कह रहे हो मेरे साथ अभद्र मत हो या फिर मेरे साथ असभ्य मत बनो, मतलब मुझसे तमीज से बात करो। डोंट बी इंसलेंट विद मी। नेक्स्ट वन इज हाउ मच। इसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कितना, जैसे अगर मैं बोलूँ हाउ मच इज़ अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस में आपका कितना मुनाफा है या फिर आपका कितना प्रॉफिट है। हाउ मच इज़ अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। एक और एग्जांपल है, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप ऐसा पूछ रहे हो किसी से कि आपने इसके लिए कितना पे किया या फिर आपने इसके लिए कितना भुगतान किया। हाउ मच डिड यू पे फॉर इट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गो आउट विद, इट मीन्स स्पेंड टाइम टुगेदर एंड हैव रोमांटिक मूड, मतलब कहीं किसी के साथ रोमांटिक मूड के साथ समय बिताना। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन गोइंग आउट विद टीना फॉर 2 वीक्स, मतलब वो टीना के साथ 2 हफ्तों से बाहर गया हुआ है, मतलब बाहर जाकर समय बिता रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग आउट विद टीना फॉर 2 वीक्स। एक और एग्जांपल है, आर यू गोइंग आउट विद टीना टुनाइट, मतलब क्या आज रात आप टीना के साथ बाहर जा रहे हो समय बिताने के लिए। आर यू गोइंग आउट विद टीना टुनाइट। अगला वर्ड है हमारा नोटवर्दी। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो महत्वपूर्ण है या फिर ध्यान देने योग्य है। जैसा अगर मैं बोलूँ योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नोटवर्दी, मतलब स्टेज पर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो नोटवर्दी थी, मतलब ध्यान देने योग्य थी। Your performance on the stage was noteworthy. एक और एग्जाम्पल है, इट वॉज नोट वर्दी दैट यू डिन लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट, मतलब वीडियो को देखने के बाद भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ये ध्यान देने योग्य था। इट वॉज नोट वर्दी दैट यू डिन लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट। अगले हमारी एक idiom है कम क्लीन अबाउट, मतलब कुछ राज है जो आपने छुपा के रखा था उसका पूरा सच किसी को बता देना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट, मतलब कल रात आप कहाँ थे इसके बारे में या फिर इस राज के बारे में मुझे लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए। आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट। एक और एग्जाम्पल है, आई डिडंट कम क्लीन अबाउट माई यूट्यूब चैनल इन स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के राज के बारे में किसी को नहीं बताया। आई डिडंट कम क्लीन अबाउट माई यूट्यूब चैनल इन स्टार्टिंग। अगली एक फ्रेजल वर्ब है डिसवेड फ्रॉम, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। जैसा अगर मैं बोलूँ आई ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम गेटिंग मैरिड, मतलब मैंने उसको शादी करने से रोकने की कोशिश की। आई ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम गेटिंग मैरिड। एक और एग्जांपल है ट्राई टू डिसवेड योर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग मोबाइल, मतलब अपने आप को मोबाइल चलाने से रोकने की कोशिश करो। ट्राई टू डिसवेड योर सेल्फ फ्रॉम यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है इवन इफ आई वॉन्ट, इसका सिंपली मतलब होता है चाह कर भी। जैसा अगर मैं बोलूँ आई कांट फॉरगेट अ मेमोरीज इवन इफ आई वॉन्ट, मतलब चाह कर भी मैं उसकी यादों को नहीं भुला सकता। आई कांट फॉरगेट अ मेमोरीज इवन इफ आई वॉन्ट। एक और एग्जांपल है आई कुडंट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्टेड, मतलब चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। आई कुडंट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्टेड। अगला एक वर्ड है फॉक, इसको प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है लोग। जैसा अगर मैं बोलूँ सम फॉक आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब कुछ लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। सम फॉक आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। एक और एग्जांपल है आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद ओल्ड फॉक, मतलब पुराने लोगों के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद ओल्ड फॉक। अगला वर्ड है नोटोरियस, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई पर्सन है वो बदनाम है, मतलब बुरी चीज़ों के लिए कोई पर्सन बदनाम है या फिर कुख्यात है। जैसा अगर मैं बोलूँ दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक जाम के लिए ये जो शहर है वो बदनाम है। दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ अ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग, मतलब वो जुआ खेलने के लिए बदनाम है। ही इज़ अ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग। अगला वर्ड है पफ, इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हवा का झोंका या फिर धुएं का झोंका। जैसे अगर मैं बोलूँ
आई ब्लू आउट द कैंडल्स इन वन पफ, मतलब एक हवा के झोंके में मैंने मोमबत्तियों को बुझाया। आई ब्लू आउट द कैंडल्स इन वन पफ। एक और एग्जांपल है, डोंट पफ स्मोक ऑन माई फेस, मतलब मेरे चेहरे पर सिगरेट का धुआं मत उड़ाओ। डोंट पफ स्मोक ऑन माई फेस। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है झगड़ा। जैसा अगर मैं बोलूँ आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर, मतलब उसके साथ झगड़े से बचने की मैंने कोशिश की। आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर। एक और एग्जांपल है, इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस झगड़े का समाधान करना मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हमारी एक idiom है, कम टू एन एंड, इसका मतलब होता है कुछ ख़त्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल दिस पैन इज अबाउट टू कम टू एन एंड, मतलब ये जो पैन है वो ख़त्म होने वाला है। दिस पैन इज अबाउट टू कम टू एन एंड। एक और एग्जाम्पल है, डिस्प्यूट मस्ट कम टू एन एंड, मतलब ये जो झगड़ा है वो जरूर ख़त्म हो जाना चाहिए। डिस्प्यूट मस्ट कम टू एन एंड। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।